आले भाई લઈ લીધું લે રેવા દે गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे टू था घर पे और आज मेरी मम्मी नहीं थी तो इसको रोटी देने की ड्यूटी मेरी थी। मैंने उसे सुबह सुबह गरम गरम घी वाली रोटी दी तो उसने खाई नहीं, ना ले रहा था वो, तो मैं जब वापस लेने लग गई तो लेके चला गया। बट बाद में मुझे पता चला कि इसको ना सुबह सुबह चाय में रोटी, घी वाली रोटी डुबो के देते तभी वो खाता है और इसकी सालों से यही आदत है जो कि मैं भूल गई थी। और फिर मैंने उसको वैसे ही चाय वाली रोटी दी तो खा ली थी उसने आराम से। तो ये है इसके नखरे। और उसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम था जिसमें हमने खाया ये फाफड़ा, गोटा, पपीता और मिर्ची का कचुंबर और कड़ी। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग हमारे गार्डन में चले गए और गार्डन में हमारा एक अमरूद का पेड़ है तो हम अमरूद तोड़ने के लिए चले गए। इसको ऐसे छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि बर्ड्स ना सारे ख़राब कर देते हैं, जैसे कि ये कर दिया था। इसको हमने बैग में रखा था, फिर भी देखो बर्ड्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा खा के बिगाड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी फ्रूट्स ख़राब कर देते हैं वो लोग, इसलिए हमें पूरा छुपा के रखना पड़ता है। बट फिर भी वो जो उनको खाना होता है वो खाते ही हैं। बट फिर भी कुछ कुछ बच गए थे तो हमने वही जो अच्छे वाले थे उसको तोड़ लिए। और आपको पता है ये जो पेड़ है ना, ये हमने उगाया नहीं था, गार्डन के बीचों बीच अपने आप ही उग गया था। और ऐसा मतलब वैसे तो हम इसे हटा ही देते बट पता नहीं क्यों इसे बड़ा होने दिया। और बड़ा होने के बाद हमें पता चला कि इसमें इतने बड़े अमरूद होते हैं और वो भी रेड वाले और इतने मीठे। तो तब से ही है ये पेड़ और काफ़ी साल हो गए अब इसको भी। और यहाँ पे मैं अपना फेस छुपा रही थी, कैमरे में नहीं आ रही थी क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और मुझे लगता है यार घर पे आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप आराम से सारी चीज़ें करो, जब मर्ज़ी आए तब नहाओ, रिलैक्स करो, तो यही वाला मूड था। तो आराम से हम लोग गार्डन में घूम रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। चुप रहे हो गाड़ी। अभी हमने यहाँ से अमरूद तोड़े और ये तीन अमरूद तोड़े और अब हम इसे काट के खाएंगे। ઓછું લાલ હશે એટલે આ બગાડશે વિડીયો, આ કાપો।
और मेरे घर पे नारियल भी उगते हैं, बट मेरे घर पे सिर्फ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो वो लोग कितना ही खा लेंगे नारियल, तो वो क्या करते हैं, जितने भी नारियल उतारते हैं उसको पैक करके रख लेते हैं, तो ये सूख जाते हैं। तो काफ़ी सारे थे, तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना हम इसका नारियल पानी निकालें, और जो नारियल निकलेगा ना हम उसका कोकोनट मिल्क बनाएंगे, और वैसे और कोई काम था ही नहीं तो हमने सोचा यही कर लेते हैं। जो वीक स्पॉट क्या थोड़ा। वैसे हमारे पास काफ़ी नारियल्स रखे थे, बट हमने सिर्फ 3 नारियल्स को तोड़ा और उसका पानी निकाला, फिर पानी को भी हमने छान लिया और नारियल को भी धो लिया, और फिर हमने आराम से बैठ के ऐसे गार्डन में ठंडी हवा में बैठ के नारियल पानी इंजॉय किया। फिर लंच टाइम हो गया था और मेरी मम्मी घर पे नहीं थी सुबह से, क्योंकि मेरी मम्मी को अर्ली मॉर्निंग कहीं बाहर जाना पड़ा था, और मैं, मेरे पापा और मेरा भाई तीन ही घर पे थे, तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। और हमने सर्च किया था क्योंकि मैं यहाँ मुंबई से जा रही थी, तो मुझे देसी खाना ही पसंद है वहाँ जाके, तो हमने सर्च किया कि स्पेशली हमें बाजरे की रोटी और सिंपल सा काठियावाड़ी खाना कहाँ मिले, हमें कुछ पंजाबी या ऐसा कुछ भी नहीं खाना था, तो हमने सिंपल सा खाना और जिसमें बाजरे की रोटी, मक्खन, ये सब कुछ था, वैसा ही खाना ऑर्डर किया था। तो बाजरे की रोटी कुछ इस तरह से दिख रही थी, और हमारे काठियावाड़ में ना लोग यही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और सिंपल खाना ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। और फिर रात हो गई थी और डिनर का टाइम भी हो गया था, मेरी मम्मी भी आ गई थी और मैं अपना सैलेड खा रही थी डिनर से पहले। और फिर डिनर के बाद सब लोग ही आ गए और हम सब ने मिलके वापस से लास्ट नाइट की तरह पटाखे जलाए और एंजॉय किया। सो गाइज, ये था मेरा डे 2 इन गुजरात घर पे, और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। लव यू ऑल।